अनुपमा में अनुपमा ने काव्या को दिया है बहुत ही गोल्डन एडवाइस। जी हाँ, क्या कहा अनुपमा ने काव्या की गलती पे जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप्तों को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमने देखा कि किस तरह से अनुपमा में काव्या ने अनुपमा को उन गलतियों के बारे में बताया जिस गलती का उन्हें माफी तो शायद फैमिली तो शायद ही करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बा उसे माफ करेगी। बा तो मैं अपनी अगर पर्सनल बा का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बा तो ताना मार मार के काव्या का जीना हराम करने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अनुपमा में काव्या ने बता दिया है कि उनके पेट में जो बच्चा है वो वनराज का नहीं अनिरुद्ध का है, जो कि वनराज भी सुन लेते हैं। तो आपको बता दें कि अनुपमा कहती है कि अगर तुमने गलती की है ना तो उसे एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखो और उसे सबके सामने लाने की हिम्मत रखो, ना कि इस गलती को छुपाओ। अगर वो बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी जन्म उसकी ज़िंदगी की शुरुआत ही एक गलती से होगी। तो जो है तुम सच बताओ सबके सामने, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग भला बुरा ही कहेंगे ना। तुम सच बताओ, अपनी गलती को अपने तक रहने दो, उन बाकी औरतों के ऊपर मत डालना। क्योंकि जो लड़की सच में इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो सच में बाहर जॉब करना चाहती रहेगी, उन सभी के लिए ये एक ताना जैसा हो जाएगा कि अगर लड़की को बाहर काम करने दे तो ऐसा ही कुछ गुल खिलाती है। तो अनुपमा ने काव्या को बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी है। तो अब देखते हैं कि अनुपमा के एडवाइस पे काव्या उतरती है या नहीं। वैसे अब आपको बता दें कि सीरियल में अंकुश के बेटे ने तो एंट्री ले ली है, और अब रही बात अनुज का, तो मालती देवी को भी पता चल जाएगा कि सालों पुराने पहले जिन्होंने जिसने बेटा को छोड़ दिया था ये बेटा कोई और नहीं बल्कि मालती देवी का ही है। क्योंकि मालती देवी के पास अनुज और उसके पापा का, यानी कि मालती देवी के हस्बैंड और अनुज का फोटो साथ में रहेगा, तो मालती देवी उसे पहचान जाती है। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे? अनुपमा ने जो काव्या को एडवाइस दी, क्या उन्होंने सही किया? कमेंट में हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।